इस सुंदर से कुर्ती को बनाना बहुत ही आसान है एंड अगर आप बिगड़ रहे स्टिल आप इसे बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया है सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कोने से इससे कपड़े को एक बार फोल्ड कर लिया है आपने भी सेम इसी तरीके से एक बार फोल्ड करना होगा एंड यहाँ पर मैंने उतना ही फ़ोल्ड किया है जितना हमारी बॉडी का मेजरमेंट होता है आपने भी बस उतना ही फ़ोल्ड करना होगा बिकॉज इससे हमारे फैब्रिक जो है वो वेस्ट ना होगा कोई भी आप कुर्ती ले लें टॉप ले लें इसके ऊपर रख लें जब मैंने इसके ऊपर खा तो आप देख सकते हैं डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैंने और कम फोल्ड कर लिया है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है जब आप कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे तो आप जो भी कुर्ती रखेंगे उसके बाद चार पाँच इंच का ही डिफरेंस आना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं चार पाँच इंच इसीलिए क्योंकि नीचे की तरफ हमें ए लाइन पैटर्न में बनाएंगे इसलिए घेरा चाहिए अस्तीन को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें अब एक इंच का गैप देते हो आप मार्किंग कर लें आर्म होल पर यहाँ पर कंधों पर भी हम मार्किंग कर लेंगे एंड जहाँ पर हमारी कमर एंड हो रही है वहाँ से नीचे तक का जितना घेरा है जितना कपड़ा अवेलेबल है वहाँ तक की आपको स्लांड लाइन ड्रॉ करना होगा जैसे यहाँ पर मैं इसे बना लूँगी सो so, लंबाई जो हमारी टॉप की रहेगी वो आपको जितना रखना है उतना रखें मैंने यहाँ पर नी लेंथ रखा है नी से थोड़ा सा नीचे तक का लेंथ रखा है अराउंड फोर्टी सेवन आप भी उस हिसाब से रख सकते हैं अब यहाँ पर जहाँ तक हमने कपड़ा फोल्ड किया था वहाँ से हमें इस तरीके से स्लांट ए लाइन कुर्ती पैटर्न बनाना है इसलिए स्लांट जहाँ तक का घेरा आ रहा है वहाँ तक की हमें लाइन ड्रॉ कर लेना होगा अब यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे ये जो कपड़ा हम कट कर रहे हैं ये बैक का कपड़ा है तो गला बैक का हम रखेंगे तीन इंच चौड़ाई तीन इंच लंबाई इन्हें मिला लेंगे कर्व शेप देते हुए एंड अब इन सारी मार्किंग को हमें कट कर लेना होगा यहाँ पर हमने हमारी कुर्ती के पीछे के हिस्से की कटिंग की है कुर्ती की आगे ये इसे कटिंग करने के लिए कपड़े को दोबारा से आप फोल्ड कर लें यहाँ पे भी हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर सबसे पहले इसे एक बार फोल्ड कर लें एक बार फोल्ड करने के बाद आप अपनी कुर्ती इसके ऊपर रख लें जो आपने ऑलरेडी कटिंग किया है बट यहाँ पर आप इसे रखेंगे इस तरीके से कि जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर एटलीस्ट दो इंच का गैप होना चाहिए अब जो पीछे की कटिंग किए थे उसे बस ट्रेस कर लेना होगा फर्क सिर्फ इतना होगा कि, कि आगे की ओर पे हमें दो इंच का गैप रखना होगा आम होल कंधा साइड की फिटिंग सेम ऐसे ही हमें मार्क कर लेना होगा नेक के लिए लंबाई रख रही हूं मैं पांच इंच की चौड़ाई तीन इंच की जो पीछे के हिस्से में थी इन्हें मिला लेंगे हम वी शेप देते हुए अब इन सारी मार्किंग को हमें कट कर लेना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कट कर लिया है आगे के हिस्से का जो आम होल होता है वो पीछे के हिस्से से आधा इंच कम होता है इसलिए हमने आम होल के साइड भी आधा इंच कट कर दिया है अब इसके बीच के हिस्से को भी हमें कट कर लेना होगा आगे का जो कपड़ा है उसके बीच के हिस्से में भी कट कर करके इसे दो भाग में क्रिएट कर लेना होगा क्योंकि इस तरह की कुर्ती के आगे के हिस्से में पैटर्न दिया गया है जब दो भाग में आप कट करेंगे तो सबसे पहले इसे एक इंच फिर दो इंच फोल्ड कर लेना होगा दोनों तरफ से आप देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है फोल्ड करके किनारी से सिलाई दे देंगे दे दे। जिससे हम शर्ट में बटन्स लगाते हैं एंड ऐसे सिलाई करते हैं सेम उसी तरीके से आपने सिलाई कर लेना होगा बस अब इसके ऊपर पीछे का आप कपड़ा रख लें कंधों को जोड़ लें आर्म होल को हेम कर लें नेक की गोलाई को भी हेम कर लें डबल फोल्ड करते हुए आपने हेम कर लेना होगा एंड साइड्स भी आप सी लें इस तरीके से बहुत ही क्विक एंड ईजी है इस तरह की कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पर आप देखें लाइन कुर्ती है हमारी फ्लेयर भी काफी अच्छा है इसे वन मीटर में हमने इसे प्रिपेयर किया है अब आगे का जो पैटर्न है जो फ्रंट का पैटर्न है उसे बनाने के लिए बचे हुए कपड़े से मैंने तीन तीन इंच की चौड़ाई की पट्टी ले ली है लंबाई जितना आपके पास कपड़ा बचा है उतनी लंबाई ले लें इसे इस तरीके से एक बार यहाँ से फोल्ड करके दूसरी बार दूसरी किनारी से फोल्ड करके देन पूरा फोल्ड करते हुए किनारी से आप सिलाई दे दे ऐसे ही सारी पट्टियों के साथ आपने करना होगा सिलाई देने के बाद बस इन्हें लगा लेना होगा उससे पहले आप मार्किंग लगा लें आपको कहाँ कहाँ इन पट्टियों को लगाना है सो यहाँ पर मैंने ऊपर से गले के ऊपर से दस इंच पे पॉइंट बनाया है उसके नीचे तक की आपने इन्हें जोड़ लेना होगा तो कपड़े को एक के ऊपर एक रखे जोड़ लें ऊपर का भाग खुला हुआ होगा खुले हुए भाग पे अपने इस तरीके से बो बनाते हुए लगा लेना होगा नीचे के हिस्से पे तो यहाँ पर मैं इस तरह का बो बना लूँगी अपने सारे जो भी पट्टियाँ थी जो हमने बनाया है बो बनाते हुए इसके ऊपर बस एक टाका दे देना होगा जितना डिफरेंस पे आपको लगाना है आप उतना डिफरेंस पे लगा लें मैं पाँच पाँच इंच के डिफरेंस पे इन्हें लगा लूँगी एंड सेम उसी तरीके से मैं मार्किंग कर लूँगी पाँच पाँच इंच के डिफरेंस पे एंड ये बो बना लूँगी अब जो ऊपर का खुला हुआ हिस्सा है वहाँ पर हमें बो नहीं बनाना होगा वहाँ पर एक साइड एक पट्टी होगा दूसरी साइड दूसरी पट्टी लगा लेना होगा फिर ये खुला हुआ रहेगा जब हम इसे पहनेंगे पहनने के बाद यहाँ पर बो बना लेंगे जैसे हम रिबन टाई करते हैं वैसे ही पहनने के बाद हम रिबन टाई करेंगे ऐसे हमने दो बनाया जिससे हमारा नेक भी आसानी से पास हो जाए एंड ये फैब्रिक इस तरीके करेगा तो यहाँ पर आप देखें जैसे ऑलरेडी मैंने मैंशन किया है नीचे की ओर मैंने सारा बो बनाया ऊपर का हिस्सा मैंने खुला रखा है क्योंकि जब हम इसे पहन लेंगे उसके बाद इस तरीके का बो बनाते हुए हमें बंद कर लेना होगा हमारे गले को एंड ये हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है बहुत ही ईजी एंड बहुत ही क्विक है प्लस जिस पिक से इंस्पायर्ड हो मैंने इसे क्रिएट किया था मुझे वो बहुत ही प्यारा लगा था आई रियली होप आपको भी आज के ट्यूटोरियल उतना ही ईजी लगा हो इस तरह की कुर्ती के साथ मैंने स्लीव्स तो नहीं बनाए हैं बट अगर आप चाहें तो आप स्लीवस भी बना सकते हैं काफ़ी सारे ट्यूटोल्स में मैंने स्लीव्स के साथ भी कुर्ती शेयर की है आप उन्हें चेक करके उन्हें रिक्रिएट कर सकते हैं वीडियो पसंद आए देन इसे लाइक ज़रूर से कीजिए मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें एंड कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर से पूछे टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम